चैप्टर नंबर फोर्टीन ऑफ योर बुक दैट इज मैक्रो मोलिक्यूल्स सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिफाइन कर लेते हैं कि आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते क्या स्टूडेंट्स आपके पास वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर मैस बहुत ज्यादा है इन इवन इनफ हाई टू एंटरटेन उनको स्टूडेंट्स आप कहते हैं मैक्रो मोलिक्यूल स्टूडेंट्स आप मैक्रो मोलिक्यूल्स के लिए पॉलीमर्स का नाम भी यूज कर सकते हैं क्यों स्टूडेंट्स क्योंकि आपके पास छोटे छोटे सब यूनिट्स जब आपस में कुलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स अपने अंदर से रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया और इन द फॉर्म ऑफ वाटर तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि वो छोटे छोटे सब यूनिट्स मिल के बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं विच हैव अ वेरी हाई मॉलिक्यूलर मैस लाइक दैट ऑफ हीमोग्लोबिन जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास

स्टूडेंट्स आपके पास इनऑर्गेनिक ऑरिजन के भी हो सकते हैं जबकि ऑर्गेनिक के भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है जिसको हमने डिस्कस करना है थ्रू आउट द चैप्टर वो हमारे पास है ऑर्गेनिक स्टूडेंट्स अब आपके पास ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो दे कैन बी बायोपोलिमर्स दैट आर रिलेटेड टू लाइफ दैट आर रिलेटेड टू अस यानी कि स्टूडेंट्स वो हमें कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल बॉडी का वो वाइटल हिस्सा होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए जैसे कि स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी जानते होंगे देन स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स जिनको स्टूडेंट्स हम مختلف एप्लीकेशंस के लिए डेली लाइफ रूटीन के लिए आप जनरेट करते हैं फ्रॉम सिंपल यूनिट्स जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं अब स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं कि आपके सामने एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है जो है, कि इन द फॉर्म ऑफ कार्बन है यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो कार्बन है वो दो तरह के पॉलीमरस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अब स्टूडेंट्स जब हम बात करें

इनऑर्गेनिक है नेचर दैन स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं डीएनए का हेलिक्स जो कि स्टूडेंट्स आपके पास कंस्टिट्यूटेड है विद दैट ऑफ प्रोटीन्स यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो अमाइनो एसिड्स हैं वो मिलके जनरेट कर रहे हैं प्रोटीन्स और प्रोटीन स्टूडेंट्स आपके पास कन्वर्ट हो रहा है डबल स्टैंडर्ड डी एन ए हेलिक्स के अंदर जो कि स्टूडेंट्स फर्दर आपस में हेलिक्स बॉन्डेड हैं कैसे बॉन्डेड हैं इसको स्टूडेंट्स हम लेटर इन द चैप्टर डिस्कस करें बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप अपने सामने सिंथेटिक जो पॉलीमर्स हैं या सिंथेटिक माइक्रो मोलिक्यूल्स हैं तुर्ण उनकी एग्जाम्पल देख सकते हैं जिनमें स्टूडेंट्स आपके पास पी वी सी स्टूडेंट्स आपके पास ड्रॉन दैन स्टूडेंट्स आपके पास नायलॉन ये तमाम आपके पास एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स थोड़ेली डिस्कस करते हैं कि आपके पास पॉलीमर्स असल में होते क्या है स्टूडेंट्स आप पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल दैट इज बिल्ड अपन ऑफ स्मॉल एंड सिंपल केमिकलट्स विच आर नॉन एज मोनोम आप देख सकते हैं कि आपके पास किस तरह से मोनोमर्स छोटे छोटे सब यूनिट्स की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं विद बाई मीज ऑफ कूलन बॉन्ड और कन्वर्ट होते हैं पॉलीमर के अंदर बिल्कुल इस तरह आप आप अपने सामने देख सकते हैं कि इथाइल जब पॉलीमराइज होता है अब वो कैसे पॉलीमराइज होता है किन कंडीशन में पॉलीमराइज होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इथाइल स्टूडेंट्स जब आपके पास एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं बहुत सारे इथाइलिन मॉलिक्यूल्स यानी कि बहुत सारे इथिन मॉलिक्यूल्स तो स्टूडेंट्स आपके पास एक प्लास्टिक जनरेट होता है सिंथेटिक प्लास्टिक जिसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं इन फॉर्म ऑफ पॉली जिसकी स्टूडेंट्स आपकी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अप्प्लीकेशन हैं देन स्टूड्स आप स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स देखते हैं तो पॉलीमर्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर थ्री क्लासेस के अंदर डिवाइडेड होते हैं एक होते हैं स्टूडेंट्स आपके पास लीनियर पॉलीमर्स एक होते हैं ब्रांच पॉलीमर्स एक होते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर्स अब स्टूडेंट्स आपके पास लीनियर पॉलीमर्स होते हैं ये स्ट्रेट चेन होते हैं यानी कि स्टूडेंट्स इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती वो कैसे स्टूडेंट्स आपके पास एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं पॉलीथीन जैसे कि अभी आपने प्रीवियसली एक एग्जाम्पल में देखा देन स्टूडेंट्स आपके पास हो जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड देन स्टूडेंट्स पॉलीविनाइल एसिडेड ये तमाम आपके पास लीनियर पॉलीमर्स के एग्जाम्पल में आ जाते हैं ब्रांच पॉलीमर्स की जब स्टूडेंट्स हम बात

अब स्टूडेंट डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं ये पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस है स्टूडेंट्स पहले तो आप याद रखेंगे कि जिसके थ्रू मोनोमर्स मिलके कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और मिलके बनाते हैं पॉलीमर सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि आपके पास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन दैट इज रिलेटेड टू द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या है द लेंथ ऑफ द पॉलीमर चेन इज स्पेशलाइज बाय द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन द चेन दैट इज़ नॉन एज द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास जितना भी जितने भी आपके पास मोनोमर्स यानी कि जितने भी सब यूनिट्स आपके पास कनेक्ट हो के आपस में एक लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स यानी कि इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर्स जनरेट कर रहे होते हैं जितने ज्यादा स्टूडेंट्स आपके पास लेंथ ऑफ चेन जनरेट होती है पॉलीमर्स की वो स्टूडेंट्स आपके पास होती है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन अब स्टूडेंट्स ये जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है इसका एक डेफिनेट मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड आप कैसे स्टूडेंट्स जज करते हैं उसको आप कैलकुलेट कैसे करते हैं कि सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन लेना है उसको आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलर मैथ से डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन यानी कि कितने नंबर ऑफ मोनोमर्स एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक लंबा मॉलिक्यूल जनरेट कर पाए यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि अगर आपने कैलकुलेट करना है मॉलिकुलर मैस ऑफ द होल पॉलीमर तो आप क्या करेंगे कि मोलर मैस ऑफ द रिपीटिंग यूनिट लेंगे जैसे कि स्टूडेंट्स इन द केस ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड आपके पास जो सब यूनिट है उसका या मोनोमर है स्टूडेंट्स उसका जो आपके पास मैस है वो हो जाता है सिक्सटी थ्री इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर एक्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके पास जो पॉलीमर चेन लेंथ है वो वन थाउजेंड आई है तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास जो मोलिकुलर मैस होगा पॉलीमर का वो आएगा सिक्सटी थ्री थाउजेंड ग्राम्स तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक पूरी पॉलीमर चेन का मॉलिकुलर मैस अब स्टूडेंट्स जब हम बात करें पी वी सी की या पॉलीविनाइल क्लोराइड की तो स्टूडेंट्स आपके पास पॉलीविनाइल क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड से मिल के बना तो होता है यानी कि विनाइल क्लोराइड जब बहुत सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बाय मींस ऑफ अ कवन बॉन्ड तो स्टूडेंट्स आपके पास पॉलीविनाइल क्लोराइड जनरेट होता है विनाइल क्लोराइड का स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है सी डबल बॉन्ड सी जब बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास कनेक्ट होते हैं तो आपके पास पॉलीविनाइल क्लोराइड जनरेट होता है फ्रॉम दैट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ विनाइल क्लोराइड कैसे कनेक्ट होते हैं इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर डिस्कस करें आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स को डिस्कस करते हैं थॉरली वन बाय वन सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि आपके पास पॉलीमर्स को क्लासिफाई किस बेस पे किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर्स ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट कि हीट उनमें क्या चेंज प्रोड्यूस हो रही है कर रही है इन द ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस कि आप सिंथेसाइज कैसे करें या वो किस प्रोसेस से गुजरते हैं थ्रू दैट ऑफ सिंथेसाइजेशन सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ़ नेचर ऑफ मोनोमर्स डिस्कस करते हैं कि आपके पास मोनोमर्स की नेचर क्या है सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास वो पॉलीमर जो कि बनता है थ्रू द पॉलीमराइजेशन ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड एज अ होमो यानी कि स्टूडेंट्स इसमें एक ही तरह का एक ही टाइप का जो सिंगल सब यूनिट है वो यूज होता है यानी कि मोनोमर एक ही जैसा होता है जो कि कनेक्ट होकर आपके पास लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर जनरेट कर रहा होता है तो स्टूडेंट्स जो टिपिकल एग्जाम्पल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके पास पॉलीविनाइल एसीटेट की या पी की अब स्टूडेंट्स जो पॉलीविनाइल एसीटेट है वो आपके पास जनरेट होता है बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल एसीटेट विनाइल एसीटेट का फॉर्मूला हम लिखेंगे सी एच टू सी एच ओ सी ओ सी एच थ्री स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मूला है अब हम देखेंगे कि कनेक्ट कैसे होंगे सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जब भी आप रिएक्शन मेंशन कर रहे होते हैं पॉलीमराइजेशन का तो आप अपने मोनोमर के साथ एन लगाते हैं मींस कि आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपस में कनेक्ट होंगे अब स्टूडेंट्स आपने एन लगा दिया तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि कनेक्ट होकर आपके पास जनरेट करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं चेन लेंथ इसलिए ओपन एंडेड रख रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स हमें पता चले कि आपके पास पॉलीमर का मैस काफी बड़ा है दैट इज़ वाई यानी कि पूरी चेन को जब हमने रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसकी जो दोनों साइड्स होती हैं वो ओपन एंडिड रखते हैं वो कैसे एक साइड स्टूडेंट्स हमने ओपन एंडेड रखी सब यूनिट की देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है सी एच टू सिंगल बाउंड क्योंकि अब एक बॉन्ड ब्रेक हो गया सी एच ओ सी ओ सी एच थ्री देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है सी एच टू ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया सिंगल सब यूनिट ये मोनोमर स्टूडेंट्स अब आपके पास क्या है कनेक्ट होके लॉन्ग चेन ऑफ विनाइल एसीटेट जनरेट करेगा जिसको स्टूडेंट्स आप कहेंगे पॉलीविनाइल एसीटेट तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास होमो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि आपके पास को क्या होता है अब स्टूडेंट्स एज द नेम इज़ इंडिकेटिंग मतलब आपके पास होमो से डिफरेंट या कंट्रास्ट में चीज़ है यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो रहा है पॉलीमराइजेशन हो रही है दो डिफरेंट पॉलीमर्स की एक साथ यानी कि स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आपके पास एग्जाम्पल है कि विनाइल एसीटेट रिएक्ट करता है ब्यूटाइल मिलिएट के साथ टू गिव अ को अब वो कैसे हो रहा है स्टूडेंट्स उसका भी हम रिएक्शन देख लेते हैं कि आपके पास एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं विनाइल एसीटेट के सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ओ सी ओ सी एच थ्री ये रिएक्ट है ब्यूटाइल मेलिएट के साथ एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटाइल सी एच सी ओ ओ इस ब्यूटाइल ग्रुप को स्टूडेंट्स हम वैसे एब्रीविएट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए डबल बॉन्ड सी एच सी ओ ओ ओ ओ और देन स्टूडेंट्स ये आपके पास कनेक्ट होके जनरेट करेगा पॉलीमर इसको अगेंस्ट स्टूडेंट्स हम ओपन एंडेड रखेंगे सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच ओ सी ओ सी एच थ्री देन स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन आपके पास सी एच आ जाएगा को पोलीमर है तो सेकेंड मोनोमर आ जाएगा आपके पास सी एच सी ओ ओ बी यू सिंगल बॉन्ड सी एच सी ओ ओ बी यू एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास दोबारा सी एच टू आ जाएगा नेक्स्ट चेन का यानी कि नेक्स्ट मोनोमर का सी एच टू ग्रुप आपके पास आ जाएगा और देन सिंगल बॉन्ड आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स जब आपने एक सब यूनिट को रिप्रेजेंट करना होता है तो आप क्या करते हैं ब्रैकेट्स क्लोज कर लेते हैं जबकि स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि अपनी जो पॉलीमराइजेशन है यानी कि जो बॉन्ड्स आप बना रहे हैं उसको ओपन एंड रखते हैं ताकि ये शो हो कि आपके पास लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर चेन एग्जस्ट करेगी यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एन लगा देंगे एन का साइन लगा देंगे देन स्टूडेंट्स ये आपके पास हो गया को अब स्टूडेंट्स आगे आपके पास आता है टर पॉलीमर टर पॉलीमर में स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास थ्री डिफरेंट मोनोमर्स जो होते हैं वो पॉलीमराइज हो रहे थे जैसे कि आपके पास टर पॉलीमर की एग्जाम्पल में आ जाता है ब्यूटाइल एक्राइलेट मिथाइल मैथाक्राइलेट एंड एकराइलिक एसिड मोनोमर्स तीनों मिल्क स्टूडेंट्स आपके पास क्या करते हैं तीन डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कुबलन बॉन्ड के थ्रू और आपके पास एक पॉलीमर जनरेट कर रहे होते हैं अब स्टूडेंट्स आपके पास मिथाइल क्राइलेट मिथाइल मैथाक्राइलेट और स्टूडेंट्स एकराइलिक एसिड जो होते हैं आपके पास स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास ये कनेक्ट कर रहे

कर कर सकता react कर सकता है, है, यानी कि कि वो कैसे? एक तरीका तो ये हो गया students आपने heat provide की, और आपके पास plastic deform हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास आपने हीट प्रोवाइड की लेकिन जैसे ही आपके पास प्लास्टिक मटीरियल या पॉलीमर मटीरियल कूल डाउन हुआ तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ गया ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टूडेंट्स आपके पास थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं कैन बी सॉफ्ट एंड रिपीटली वैन अपॉन ही कूल करते हैं तो हार्ड होकर भी रखते हैं तो उनको थर्मो तो प्लास्टिक को आप रिपीटली हीट कर सकते हैं और उनके अंदर आप कॉन्सिक्वेंटली थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जिनको जब आप हीट करते हैं तो वो डीफॉर्म हो जाते हैं और आप उनको दोबारा हीट नहीं कर सकते एंड दे केन नॉट भी सॉफ्टन अगेन एंड अगेन ऑन हीटिंग आर कॉलरस थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स स्टूडेंट्स आपके पास जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं उनको आप अपनी मर्जी से मोल्ड कर सकते हैं री कर सकते हैं यानी कि उनकी शेप चेंज कर सकते हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की तो आप उनको रीमोल्ड या री नहीं कर सकते उसके अलावा स्टूडेंट्स जो आपके पास थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं क्योंकि उनके, उनके अंदर वीक इंटोमोलिकुलर फोर्सेज एग्जिस्ट कर रही होती है दैट इज़ वाई अपॉन हीटिंग या अगेन एंड अगेन हीटिंग वो अपने आप को मोल्ड करते रहते हैं या अपना स्ट्रक्चर में दोबारा आते रहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की केस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से वंस दे आर डिफॉर्म दे के नॉट बी सॉफ्ट एंड अगेन दिन आपके पास थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की एक ये प्रॉपर्टी होती है कि ये ब्रिटल नहीं होती कि अगर आप इनको फोर्स प्रोवाइड करेंगे एकदम से हार्ड फोर्स प्रोवाइड करेंगे तो ये आपके पास ब्रेक नहीं होंगे जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं वो ज़्यादा ब्रिटल होते हैं यानी कि वो ब्रेक हो सकते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वेयर एज थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर इसॉल्यूबल इन 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 बाकी स्टूडेंट्स आपके पास जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू जनरेट होते हैं जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं वो कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू जनरेट हो रहे होते हैं अब स्टूडेंट्स आपके पास एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या है इसको हम फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप ये बात याद रखेंगे कि आपके पास थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर्स की एग्जाम्पल में आ जाएंगे पॉलीथाइलीन, पीवीसी प्लास्टिक्स, पीवीए जबकि थर्मोसेटिंग में स्टूडेंट्स आपके पास यूरिया फॉर्मल डिहाइट बैकलाइट ये सब आ जाएंगे This on the basis of अगर आप देखें तो आपके पास दो तरह के पॉलीमर्स आते हैं यानी कि आपके पास पॉलीमर्स दो तरह से पॉलीमराइज होते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि आपके पास पॉलीमराइजेशन प्रोसेस थोरली हो कैसे रहा है जिसकी बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं इंटू एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेशन पॉलीमर्स थैंक यू